हेलो हेलो। तो आप सोच रहे होंगे यार, अंधेरे में कहाँ जा रहा हूँ, है ना? दिख रहा हूँ मैं आपको लोग? नहीं, तो मैं घर आया हूँ। काफ़ी दिनों बाद, महीनों बाद घर पे रुकूँगा आज। तो कल आपको, कल सुबह भी घर पे ही दिखाऊँगा, क्योंकि कल मैं जिम पे नहीं रहूँगा। तो देखते हैं, कल के ब्लॉग में आपको बस यही दिखेगा यार, अभी से, है ना? बाकी आप इंतज़ार करना कि कल क्या होने वाला है। और मुझे भी कुछ कुछ पता नहीं है कल मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी। और चांदनी रात है आज, चांद बहुत अच्छा निकला हुआ है और सामने घर है। आज का वर्कआउट मैंने बजौरा में जिम में किया था, काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि बजौरा में हमेशा ही मुझे वर्कआउट करने का काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे उस जिम से बहुत सारे इमोशन मेरे जुड़े हुए हैं। बहुत हार्ड वर्क किया हमने उसे खोलने के लिए। तो फाइनली मैं घर पे पहुँच चुका हूँ। रात में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ज़रा गुलाब दिख रहे हैं। मेरे पापा है, बिस्तर बिस्तर लगा रहे हैं, ये पूरा काम करते घर पे, सारा ये करते, खाना वाना सब कुछ यही बनाते हैं, क्योंकि हमें तो टाइम लगता नहीं है, ये इन कामों में ही बिजी रहते ज़्यादातर। चलो बाकी चलते हैं। क्या बढ़िया। ये है देखो, देखते काफ़ी अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद घर आकर। और बाकी आप बने रहना, वीडियो कल तक चलेगी, और मैं ये वीडियो में आपको अभी जब आप देख रहे होंगे तो फिर बताना आपको कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज घर पे आकर। हाँ चलो चलते किचन की तरफ, चलते हैं। दही, मुझे दही, लेकिन दही है नहीं घर पे। किस में थे रहा? किस तरह के फ्रिजर में? पूरा रेफ्रिजरेटर खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं इसमें। ऐसे ही होता जब, क्योंकि कोई घर पे रहता नहीं है। गुड मॉर्निंग, सुबह से यार उठना पड़ता है, आज चेक करते रहना पड़ता है कि उठे नहीं उठे। और उठ के चुके थे बॉबी भी यार, उन्होंने जिम खोल दी थी। चलो मैं सोता हूँ थोड़ा और करते हो। 2 hours later बहुत मज़ा आता रहेगा, आज काफ़ी अच्छा भी लग रहा है घर पे। और आई होप अब कुल्लू वाली टीम मुझे फ्री कर दें, तो मैं आगे का कुछ सोचूं, तो वो लोग अच्छे से संभाले सब कुछ। देखूंगा मैं, 2-3 दिन देख रहा हूँ उन्हें किस तरीके से वो काम करते हैं। अगर कुछ लोगों के, क्लाइंट्स के फीडबैक अच्छे आते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप उठाने वाले हैं अगले जिम की तरफ। तो चलिए तब तक करते हैं शुरुआत, कुछ मैं काम करता हूँ। तो मैं रेडी हो गया यार, मैं निकल रहा हूँ बजौरा जिम की तरफ, क्योंकि मुझे लगा, पहले सोचा था मैंने कि कहीं नहीं जाऊँगा आज, लेकिन वही यार क्या करें, आदत से मजबूर है, काम तो करना ही पड़ेगा। और काम नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आता, अभी जिम नहीं गया तो अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। इसलिए डिसाइड किया कि अभी निकलता हूँ, और वहाँ पे ना भीड़ भी अभी काफ़ी है, बहुत लोग हैं, तो कुछ वीडियोस भी बन जाएंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ भी शूट नहीं किया मैंने बजौरा में। तो आज सबसे मिलेंगे, बस मैं टाइम से पहुँच जाऊँ, बाइक पे ही जाऊँगा। काफ़ी ठीक सा हुआ बताना। देखिए फूल हमारे सुंदर सुंदर, काफ़ी टाइम बाद बाइक चलाऊंगा,
पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अभी चलाएंगे आराम आराम से चलाएंगे कैसे भी। बहुत कीचड़ है नीचे, वहाँ से निकालनी बहुत मुश्किल है यार। लेकिन जो यहाँ की सुबह होती है ना, बहुत ही मज़ेदार सुबह है यार। कुछ बोले कि एनर्जी अलग से ही आती है। चलो चलते हैं, ये बनी रही है पल्स। करेंगे मॉर्निंग राइड धन्नों के साथ अपनी, काफ़ी टाइम बाद चलाऊंगा इसे। नीचे यार बहुत मिट्टी है, बस थोड़ी सी इसे नॉर्मल होने देते हैं, उसके बाद चलेंगे निकलेंगे। इसको हो गई है यार ये, इसको ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो गया, ये चली नहीं बिल्कुल भी अभी तक। 2,500 किलोमीटर चली है खाली। चलो बाकी मिलता हूँ मैं आपसे जिम पे। चलो जिम के पास बाहर हूँ जस्ट, थोड़ी शर्म भी आ रही है आज वीडियो बनाते वक्त कैसे बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी भीड़ है। चलो कुल्लू में तो थोड़ा यूज टू हो रखा हूँ सबके सामने, अब देखते कोशिश करेंगे थोड़े से शॉर्ट्स लूँगा, बाकी ज़्यादा तो कुछ नहीं लूँगा। बेस्ट पार्ट है इस जिम का क्योंकि जौरा में खासकर मैंने ये चीज़ आप भी अभी सुन रहे होंगे मेरे पीछे, खाली म्यूजिक भी बहुत कम लाउड है लेकिन यहाँ पे ना बातें बहुत कम करते लोग, वर्कआउट के दौरान चुपचाप वर्कआउट करते हैं, अपना वर्कआउट पे फोकस करते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग जब भी वर्कआउट करें तो सिर्फ वर्कआउट पर ध्यान दें, बातें कम करें। बातें उसकी वर्कआउट आप जब 1 घंटा 1.5 घंटा दोगे वर्कआउट के बाद, वो बातें करें बैठ के आराम से, ठीक है। चलो खाते आपको वर्कआउट बाकी सबका। हेलो गाइस, बाकी मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है भाई, पूरी एनर्जी असली मजा आ रहा है। ये बाकी टीम को भी मेरे देखो, इसको देखो, पूरी टीम को कहता हूँ मैं। हिमांशु देखो कैसे पूरे चेहरे पे पूरी स्माइल लेकर एकदम सबको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, और वो जो सबसे जरूरी है ना, जरूरी यही है, मजा आ रहा है। बढ़िया जी, बढ़िया मजा आ रहा ना? बढ़िया। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। फिट हो गए सर आप? फिट हो गए? हाँ। So fast, all tied up.
मजा आ गया मजा आ गया लेग मार के खुद के लेग मार रही है चला नहीं जा रहा है ना टांगे कांप रही है अभी और हाँ बात बताऊं तो भाइयों सबको जानता हूं मैं काफी टाइम से रूम भाई है ये उस दिन से हम लोग पहले सबकी भाई उस दिन वर्कआउट भाई करवाते थे मेरे को मेरे गुरु तो भाई हुए स्टार्टिंग से सिखाया है क्यों भाई तो हम लोगों ने साथ में वर्कआउट किया था काफी साल से लेकिन हम अभी तकरीबन आई थिंक बीच में मिले थे एक दो बार आपको मतलब काफी टाइम हो गया हाँ चार पाँच साल हो गया ना आते रहेंगे जब आएगा तो हमें बताएगा ठीक है हम उस समय आया करेंगे सच में भाई हाँ ठीक है कब आएगा भाई भी फिट होते जा रहे कुल्लू में बहुत लोग आते हैं ना आप लोग तो टीवी पे देखेंगे भाई को आपके काफ़ी दोस्त आते हैं ठीक है देखो भाई डेली हर दिन पहुँचते तो आप लोग भी हर दिन आया करो जो भी भाई के रेफरेंस से आए हुए हैं सब आते हैं सारे नहीं कुछ लोग तो छुट्टी मार रहे हाँ कौन कौन है बहुत सारे दो दिन आते तीन दिन भी आते हैं हर दिन डेली आना ठीक है आएंगे की तार था भाइयों को बढ़िया लगा बोलते यहाँ पे भाई यहाँ भी बहुत बढ़िया जी दोनों बैंड बहुत सही है ये भी बढ़िया वो बढ़िया तो कभी यहाँ बैक की मशीन यहाँ पे नहीं आई हुई है तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे कई ऐसा है जैसा आज आप देख रहे हो यहाँ पे मंडे से सैटरडे तक लोग इसी एनर्जी में रहते हैं ऐसा नहीं है कि हफ्ते में दो दिन आ गए तीन दिन आ गए कि हो गया आज का वर्कआउट तो ख़त्म हो गया है आज का सेशन और मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ तो जाएंगे थोड़ी डाइट वाइट लेंगे देखते क्या होता है बाकी काफ़ी अच्छा लगा आज बहुत एनर्जी थी पूरे जिम में तो नए सब्सक्राइबर मिले हमें आज हेलो फ्रेंड भाई हम लोग ना छोटे से बड़े साथ में ही हुए तो वो प्यार आज भी बरकरार है चाहे हम मिले एक महीने बाद दो महीने बाद क्या बोलते हैं सही बात ना जी बचपन भी काटा बराबर भी साथ ही काटेंगे हम लोग साथ ही काटेंगे क्योंकि देखो कहीं भी जाएं हम देश के किसी भी कोने में जाएं लेकिन हट फिर के हमने यहीं रहना साथ में क्या कहते हो तो अभी जस्ट बस घर पहुँचे तो बिकी ब्रेकफास्ट बना रहा है ओट्स बनाएगा वो मुझे पता है ओट्स बनाएगा और कुछ फ्रूट्स डालेगा मैंने उसे कह दिया है एग्स तो घर पे नहीं बनेंगे क्योंकि हमारे घर के अंदर एग्स मीट मछली नॉन वेज अलाउ नहीं है वेजिटेरियन कुल्लू में ही खा सकता हूँ मैं और बाहर घर के बाहर खा सकते कोई मना नहीं है हमें लेकिन घर पर नहीं घर पर मना है बिल्कुल साफ तौर पर मना है कि घर पे कोई भी नॉन वेज लाइक एग चिकन मीट मच्छी कुछ भी नहीं आएगा सब्जी खाओ पनीर खाओ चने खाओ यही है दूध घी अच्छा लग रहा है घर पे आके कल रात मुझे नींद नहीं आई पता है सच बताऊं तो नींद नहीं आई बिल्कुल भी नींद नहीं आई मुझे अब कुल्लू में ज़मीन पे सोने की आदत हो गई है ना सो जाते हैं हम ज़मीन पे तो पहले से ही सोते हैं
तो लेकिन वहाँ पे अब आदत बनी होती है कुछ, है ना, हैबिट की बात होती है। अब कल एकदम से आकर बेड पे बेड चेंज होना, तो दो तीन बार उठा रात में, ऐसा नहीं नींद नहीं आई लेकिन ऐसा लगा कि नींद पूरी नहीं हुई है। तो सुबह उठकर इसलिए मैं जिम चला गया था और काफ़ी मज़ा आया। जो एनर्जी थी ना जिम में भाई साहब, एक नंबर एनर्जी। मतलब वहाँ पे ना कोई ऐसे फालतू में बात नहीं करता था, सब हंसकर रहते हैं, मिलकर रहते हैं, लेकिन वर्कआउट के टाइम सिर्फ वर्कआउट पे ध्यान रखते हैं और ऐसा नहीं कि बातें करते रहें, ये करते। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी थी यार, जो मज़ा आया ना सुबह अलग ही था। मैं आपने वीडियो में देखा होगा, तो बाकी अभी फिर से भी वीडियो देखना आप, समझ नहीं आया तो फिर से देखना, बाकी वीडियो में तो देख चुके हो आप, एक नंबर माहौल था। बाकी आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगा, इसके बाद क्या करता हूँ वो अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो भी दिखाऊँगा आपको, लेकिन वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। ये घर की सीरीज़ है, तो सीरीज़ वन, तो एपिसोड टू, एपिसोड थ्री, जो भी घर के होंगे वो एपिसोड वाइज आएंगे, ये रहेगा एपिसोड वन, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। हाँ, और मैं बताना भूल गया, इसमें मैं आपको कुछ लोगों से जो मिलवाया वो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मेरा बचपन बीता है, और आज भी हम जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर। जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ, मुझे स्पेशली घर आना इसलिए अच्छा लगता है कि यार वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते, वो दिन बहुत अच्छे थे, है ना। स्ट्रगल भी था, आज भी मेहनत कर रहे हैं हम और करते रहेंगे, तो लेकिन बस एक ही चीज़ है यार, वो पुराना वक्त नहीं भूलना कभी भी, वो जो हमने जिया है। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद एपिसोड टू में। तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए, खूब हेल्थी रहिए, अच्छा खाइए, और जिम में मिलते हैं, कुल्लू में आइए। और हाँ, कुल्लू जिम में जो कह रहा ना कि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ है लेकिन वो एक घंटे के लिए होती है ना, उसके बाद भी तो टाइम है। भीड़ है तो क्यों है भीड़, ये बताओ ना आप लोग जो घबरा रहे हो आने से, भीड़ क्यों है? भीड़ इसलिए है कि वहाँ पे क्वालिटी वर्कआउट है, इसलिए भीड़ होती है। आप समझिए, हम चाहते हैं कि हर एक, आप एक महीने के लिए आइए, एक महीना तो ट्राई कर सकते हो, आप एक एक दो दो साल देते हो बॉडी पर, इतने साल दे रहे हो, आप एक महीना तो ट्राई करके देखो ना, क्या दिक्कत है आपको एक महीना ट्राई करने में? आप एक महीना ट्राई करो, अगर आपको ऐसे भी कोई दिक्कत है तो आइए, दो तीन दिन आइए, 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ पर डे देकर आप वर्कआउट करो। अगर आपको कुछ समझ आता है तो आप बोलो कि मैंने जो 200 दिए थे वो आप ऐड कर लीजिए, वो पूरा महीना कर दीजिए आप, है ना, कुछ ऐसा कर सकते हैं हम। देखिए, इस तरीके से मत घबराइए आप लोग क्या कह रहे हैं, आप एक बार जब तक आएंगे नहीं आप तक, तब तक लोगों की बातों में ना आए कि भीड़ है वहाँ पे। लेकिन भीड़ है तो हमारे पास ट्रेनर भी बहुत है, हमारे पास मेहनती ट्रेनर है, मेहनती, जो एक एक पे ध्यान देते हैं, और फ्री ट्रेनिंग, कोई चार्जेस नहीं कि आप आएंगे आप बोलेंगे पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग वाली बात नहीं, पर्सनल ट्रेनिंग है, फ्री ट्रेनिंग है, अच्छी ट्रेनिंग है, क्वालिटी वाली। ऐसा नहीं आपको कोई बैठा हुआ मिलेगा मेरा ट्रेनर, सब एक्टिव मिलेंगे, है ना। तो आओ आप, बाकी मिलते, बाकी मैं खुद से भी ट्रेन करता हूं।